भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सिने आजकल विज्ञापन इंटरव्यू फिल्म प्रमोशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया मोबाइल नंबर 9350816300 ईमेल आईडी है सिने आजकल india@gmail.com। नमस्कार सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद अमित शाह ने बताया कि बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद को बधाई देते हुए ट्वीट किया है कि मुझे यकीन है कि वे अच्छे राष्ट्रपति साबित होंगे, उनके ज्ञान से देश को लाभ होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा है कि कोविंद संविधान के अच्छे जानकार हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता हुए भाजपा में शामिल। केसरिया विधानसभा में पिछले दो बार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी बदलने के बारे में पूछे जाने पर रामचरण यादव ने बताया कि हम अपनी पार्टी के कार्यकलाप से खुश नहीं थे, इसीलिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। केसरिया विधानसभा के राजद विधायक डॉक्टर राजेश कुमार ने SH-74 बुढ़िया माई स्थान से सुंदरापुर तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क नाम से सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुखिया बच्चूलाल यादव, हाशिम खां, राम बाबू खुशवाहा, टुंडू सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। भोजपुरी की सुपरस्टार खसारी लाल यादव के कार्यक्रम में पुलिस ने चलाई गोली। आरएन कॉलेज हाजीपुर में 16 जून को कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर खसारी लाल चले गए थे। बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 10वीं का परिणाम कल यानी 20 जून को घोषित हो सकता है। सूत्रों की माने तो जल्द ही BSEB बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले ये खबर थी कि बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट 15 जून को घोषित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर CBI ने छापा मारा है। कुछ दिन पूर्व जांच एजेंसी ने दिल्ली सचिवालय के 9वें तल पर बने उनके दफ्तर पर छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी का ये छापा सत्येंद्र जैन पर दर्ज हुए ताजा मामले को लेकर हुआ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 47 साल के हो गए हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट करके बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर दिए अपने बधाई संदेश में राहुल की दीर्घायु की कामना की है। भारतीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि भारत चीन के साथ अधिक आपसी बातचीत के लिए उत्सुक है। वीके सिंह ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से पूर्व चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। सिंह ने कहा है कि भारत चीन के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने एक नवजात को कथित तौर पर मृत घोषित कर दिया, लेकिन जब अंतिम संस्कार के लिए नवजात को ले जाया जा रहा था तो उसे जिंदा पाया गया। पिता को पता चला कि बच्चा जिंदा है तो उन्होंने तुरंत PCR को फोन किया और बच्चे को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया। रेप केस के आरोप में फंसे समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता गायत्री प्रजापति की जमानत के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की हुई इस घूसखोरी में पॉस्को कोर्ट के जज OP मिश्रा और 3 वकील शामिल हैं। पाकिस्तान ने भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा क्या किया कि एक पाकिस्तानी एंकर अपनी मर्यादा भूल गया। उसने अपने शो में कहा, फादर्स डे पर जीतकर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि बाप बाप होता है और पाप पाप होता है। इसके साथ ही एक पाकिस्तानी एंकर ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुल्लू भर पानी में डूबने की सलाह तक दे डाली। UP में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां चेन्नई से घूमने आए एक दंपत्ति को बदमाशों ने गोली मार दी। ये दंपत्ति बुलेट पर हरिद्वार से दिल्ली लौट रहा था। बदमाशों की गोली पति के गर्दन को चीरते हुए निकल गई। उनकी हालत गंभीर है, पत्नी को भी चोटें आई हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कनॉट प्लेस स्थित रीगल बिल्डिंग में दिल्ली की पहली ह्यूमन लाइब्रेरी में कई राज्यों से आए लोगों ने शिरकत की। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक संख्या युवाओं की थी। ह्यूमन लाइब्रेरी में लोग अपने अनुभवों को वहां उपस्थित लोगों के बीच साझा करते हैं। लंदन के फिंसबरी पार्क इलाके में 18 जून को एक कार के राहगीरों के बीच घुसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस घटना के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि इसके आतंकी हमले होने की पुष्टि नहीं की गई है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की आगामी फिल्म जब मैरी मेट सेजल का दूसरा मिनी ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस वीडियो में हैरी यानी शाहरुख खान को कानूनी सलाह देते हुए नजर आ रही है। 37 सेकंड के इस वीडियो में अनुष्का किंग खान को क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरने के लिए कह रही है, साथ ही इसके बारे में समझाती नजर आ रही है।
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म मुन्ना माइकल का नया गाना डिंग डोंग डिंग रिलीज कर दिया गया है। गाने की प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए टाइगर श्रॉफ और फीमेल लीड एक्ट्रेस निधि अग्रवाल ने मुंबई की रोडवेज बसों की छत पर चढ़कर डांस किया। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं ज्योति अभिनेत्री सीएम इंडिया टीवी एवं इस चैनल के जीएमडी कुमार समझ जी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये चैनल आगे बढ़े, यही हमारे भगवान से दुआ है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं वीर सिंह लक्की मुजीब की तरफ से सीएम इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ कर शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।